MIUA11 ग्लोबल स्टेबल कब और किसको मिलेगा, ये क्वेश्चन काफ़ी दिनों से हमारे टेलीग्राम और यूट्यूब कमेंट सेक्शन पे आ रहा है। काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, कहीं पे भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है, MIUA किसी भी फॉरम पे मेंशन नहीं किया है। तो मैं आज आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ, तो चलिए देखते हैं। तो ये देखिए, ये है MIUA का ऑफिशियल फॉरम, MIUA कम्युनिटी, जिसपे साफ साफ लिखा है 2 days to go, mark your calendar, MIUA 11 global launch set for October 16। और यहाँ पे इन्होंने एक इमेज भी मेंशन की गई है 2 days for MIUA 11। तो जैसे कि मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि अक्टूबर 16 से जो है फर्स्ट बैच जो है वो MIUA 11 का मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि Redmi Note 8 Pro जो फ़ोन लॉन्च हो रहा है उसके साथ वो उस दिन उसको अनाउंस करेंगे इंडिया के अंदर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मेंशन किया गया है कि 16 अक्टूबर को ही Redmi Note 8 Pro जो है इंडिया के अंदर आ रहा है। तो ये तो हो गया इंडियन कम्युनिटी का MIUA का फॉरम, जिस पे साफ साफ मेंशन किया है कि 2 दिन बचे हैं और 2 दिन बाद आपको MIUA 11 मिलेगा। तो ये तो कंफर्म हो गया ऑफिशियली कि हाँ कि 2 दिन में मिलेगा। अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं होता है तो आप जो है उनके MIUA इंडिया का जो ट्विटर अकाउंट है उस पर जाके चेक कर सकते हैं, उस पर इन्होंने डेट मेंशन की गई है 16/10/2019। तो यहां से भी कंफर्म हो जाता है कि इंडिया को जो है MIUA 11 ग्लोबल स्टेबल वर्जन 16 तारीख को ही मिलने वाला है। तो ये बात तो कंफर्म हो गई कि MIUA 11 जो 16 तारीख से मिलेगा। अब सेकंड क्वेश्चन जो आता है कि Redmi Note 5 Pro, K20 Pro, Poco F1 या इस फोन को या उस फोन को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो कौन सी एग्जैक्ट डेट को मिलेगा, तो उसके भी आज मैं आपको सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर देता हूँ। काफ़ी लोग ये कह रहे थे कि 16 तारीख को ये सभी फ़ोनों को मिल जाएगा, नहीं, मैं आपको शुरू से बताता आ रहा हूँ कि 3 batches के अंदर ये अपडेट्स आएंगे। तो अब हम चलते हैं MIUA.com, ऊपर देख पा रहे होंगे ये इनकी ऑफिशियल साइट है चाइना की, जिसके अंदर लिखा है MIUA 11 अपग्रेड प्लान। इसमें आपको 3 batch दिखते हैं, फर्स्ट बैच, सेकेंड बैच और थर्ड बैच। तो फर्स्ट बैच में लिखा है मिड अक्टूबर, माना ये जा रहा है सेकेंड बैच जो हो सकता है एंड अक्टूबर या नवंबर स्टार्टिंग में हो सकता है, थर्ड बैच आपका नवंबर एंड या दिसंबर स्टार्टिंग हो सकता है। अब इसमें कुछ फोन्स के नाम मेंशन किए गए होंगे, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्या लिखा है। ये लिखा है मिलेट 9, तो यानी ये हो गया MIUA 9। बाकी कुछ फोन्स पे लिखा है रेड राइस, तो चाइना में रेडमी को रेड राइस बोलते हैं, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो जो मिड अक्टूबर के फ़ोन है उसके अंदर जो है MIUA के जो Mix 3, MIUA 9 फ़ोन सारे आते हैं, साथ ही साथ आपको जो Redmi K20 Pro है और Redmi K20, Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro और Redmi 7, इनको जो है फर्स्ट बैच में ही मिलना शुरू हो जाएगा। यानी 16 अक्टूबर से इन सभी फ़ोनों को जो फर्स्ट बैच में आते हैं, इन सबको जो है MIUA 11 का ग्लोबल स्टेबल अपडेट, में फिर से बता रहा हूँ ग्लोबल स्टेबल अपडेट, जिसका आपको OTA रिसीव होगा या फिर आप चूज अपडेट पैकेज के थ्रू भी उसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। ना आपको फ़ोन का बूटलोडर अनलॉक करना है, ना कोई कस्टम रिकवरी चाहिए, डायरेक्टली आपके फ़ोन के अंदर आपको अपडेट मिल जाएगा। तो ये तो हो गया फर्स्ट बैच। अब बात करते हैं सेकंड बैच। सेकंड बैच के अंदर आता है Redmi Note 5। तो लोग बोलते हैं यहाँ Redmi Note 5 लिखा है, Redmi Note 5 Pro क्यों नहीं लिखा है, तो Redmi Note 5 Pro को ही Redmi चाइना में Redmi Note 5 बोलते हैं, तो ये डाउट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। उसी तरीके से Redmi 6 Pro को भी तभी मिलेगा, Redmi 7A, Redmi S2 जो आता है फ़ोन उसको भी, और Xiaomi Note 3, Mix 2, CC9 फ़ोन जो भी हैं, इन सभी को जो है सेकेंड बैच के थ्रू मिलेगा, यानी अक्टूबर एंड या नवंबर फर्स्ट वीक से मिलना स्टार्ट होगा। तो ये वो फोन्स की लिस्ट है जिनके अंदर आपको सेकंड बैच में देखने को मिलेगा। अब थर्ड बैच में जितने भी ये Redmi के 5 प्लस वगैरह फ़ोन आते हैं, Note 2 हो गया, Max 2 हो गया और साथ ही साथ ये 5 प्लस Redmi Rise हो गया, इन सब फ़ोनों को जो है थर्ड बैच के अंदर मिलेगा। जैसे Redmi 5A हो गया, 4X हो गया, इन सबको थर्ड बैच यानी कि लास्ट बैच में। अब काफ़ी लोग पूछते हैं Poco F1 को क्यों नहीं मेंशन किया जाता है, तो मैं आपको बताता हूँ, जो Poco F1 जो लॉन्च हुआ था वो Redmi सीरीज से अलग लॉन्च हुआ था। Poco F1 जो है ना Redmi सीरीज में आता है, ना MIUA सीरीज में आता है। Poco F1 जो है Xiaomi का एक अलग ब्रांड है, तभी इसका नाम जो है यहाँ पे मेंशन नहीं किया जाता है। तो Poco F1 को जो अपडेट मिलना है वो आपको नवंबर के स्टार्टिंग या नवंबर के एंड मिड तक आपको देखने को मिल जाएगा, जहां तक अभी न्यूज निकल के आ रही है। तो अब पूरी तरीके से कंफर्म हो गया है कि MIUA की जो साइट है, ऑफिशियल साइट चाइना के, उसके ऊपर मेंशन किया गया। इसमें आपको इसके सारे के सारे फीचर्स आपको यहाँ पे शो किए गए हैं, क्या क्या इसके फीचर्स होंगे, आप सारे के सारे फीचर्स जो है जाके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ऑलरेडी मैं MIUA 11 के ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ, क्या क्या फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं और किस तरीके से वो आपके फोन पे काम करेंगे, आप उसको चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। और ये जो MIUA कम्युनिटी है, ये इंडिया की कम्युनिटी है, जिसके अंदर जो है वहाँ के सुपर मॉडरेटर जो है उन्होंने मेंशन किया गया है कि सिर्फ 2 दिन बचे हैं। 2 दिन क्यों बचे हैं, क्योंकि आज 14th अक्टूबर है, 16th अक्टूबर को आपको MIUA 11 के जो ग्लोबल स्टेबल अपडेट है वो मिलना शुरू हो जाएगा। तो मोस्टली अब आपके सभी डाउट जो है क्लियर हो चुके होंगे। तो प्लीज़
चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जल्दी ही इंतजार करते हैं MIU 11 के ग्लोबल सेवल वर्जन का, उसके ऊपर भी वीडियो आ जाएगा। तो टेक केयर एंड बाय बाय।